नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। आज हम बात करेंगे मसूर की दाल के फायदों के बारे में। मसूर की दाल, इसकी प्रकृति गर्म, शुष्क, रक्त बढ़ाने वाली और रक्त को गाढ़ा करने वाली है। इसे पचाने में अधिक समय लगता है। इसकी दाल खाने से दस्त, बहुमूत्र, प्रद्र और कब्ज में लाभ होता है। इसकी दाल घी में छोंक कर तल कर खाने से नेत्रों की शक्ति मिलती है। मसूर के आटे का चूरमा मलिदा बनाकर खाने से प्रद्र, हर प्रकार के रक्त स्त्राव में लाभदायक है। मसूर की दाल एवं मूंग की दाल के गुण समान हैं। मूंग के बदले मसूर का प्रयोग कर सकते हैं। प्रोटीन, इसे प्रोटीन की मात्रा 50 ग्राम नित्य प्रोटीन लेना अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। मसूर की दाल के एक कप में 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। पेट के रोग, पेट की पाचन क्रिया से संबंधित हर प्रकार के रोग में मसूर की दाल खाना लाभदायक है। फोड़े, मसूर के आटे की पुलटी लगाने से फोड़े शीघ्र फूटकर मवाद सूख जाता है। मंजन, मसूर की राख मंजन में लाभदायक है। इस राख में अन्य चीजें उनके गुणों को देखते हुए मिला सकते हैं। मुहासे व मुहासों के धब्बे, मसूर की दाल इतने पानी में भिगोएं कि वह भीग कर उस पानी को सोख ले, फिर उसे पीसकर दूध में मिलाकर सुबह शाम 2 बार चेहरे पर लगाएं। रात को सोते समय जायफल और काली मिर्च दोनों कच्चे दूध में पीसकर चेहरे पर लगाएं। अगर चेहरे पर दाग हैं तो तरबूज के बीज की मिंगी, यह पंसारी के यहाँ से मिल जाती है, और मसूर की दाल समान मात्रा में दूध डालकर पीस लें और चेहरे पर रात को लेप करें। चेचक, दाग, गहरे गड्ढे बिल्कुल साफ हो जाएंगे। लंबे समय तक प्रयोग करें और 4 चम्मच मसूर की दाल 2 घंटे भिगो लें। बरगद के पेड़ की कोमल नई नई 4 पत्तियां दोनों को बारीक पीसकर चेहरे पर लेप करें और 3 घंटे के बाद चेहरा धोएं। चेहरे के धब्बे छाइयाँ ठीक हो जाएंगी। यह प्रयोग नित्य 2 सप्ताह तक करें। मसूर की भीगी दाल पर नींबू निचोड़कर पीसकर चेहरे पर लेप करने से भी चेहरे की झाइयाँ मिट जाती हैं। खूनी बवासीर हो तो प्रातः के भोजन के साथ मसूर की दाल खाने और 1 गिलास खट्टी छाछ पीने से लाभ होता है। अगर पैरों की जलन है तो मसूर की दाल का आटा पीसकर पानी में घोलकर उबाल लें, फिर ठंडा होने पर 4 बार रोजाना पैरों पर लेप करें, पैरों की जलन में लाभ होगा। तो दोस्तों, ये थी आज का जानकारी मसूर की दाल के फायदों के बारे में। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।